नजारा ही नजारा अलग है। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से एक नए दिन की शुरुआत। नए दिन की तो शुरुआत देखो कहाँ से हो रही है, रामेश्वरम के साथ। तो मैं बेंगलुरु से रामेश्वरम आ गया हूँ सुबह सुबह, है ना। देखो ये है यहाँ के 22 कुंडों का रास्ता, एक गेट है यहाँ के, चार द्वार है, चार द्वारों में से एक द्वार ये है। यहीं से 22 कुंडों वाला स्नान होगा स्टार्ट, ठीक है। लेकिन वो स्नान करने से पहले एक और स्नान करते हैं, तो चलो आपको दिखाता हूँ सबसे पहला स्नान, चलो चलते हैं। तो जी ये है यहाँ का मार्केट, ये है लाइन। अभी मैं जा रहा हूँ अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम एक बीच है, तो अग्नि तीर्थम में वहाँ पे सबसे पहले कहते हैं, मान्यता है वहाँ पे सबसे पहले डुबकी लगाते हैं। वहाँ पे डुबकी लगाने से पाप रोग दोष सब मिट जाते हैं। उसके बाद आके ये लाइन से अंदर यहाँ जाएंगे हम, 22 कुंडों में स्नान करेंगे, उसके बाद करेंगे भगवान के दर्शन। चलो दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ का मार्केट। अभी मैं नंगे पैर ही जा रहा हूँ, है ना, चप्पल ले सोचे कहाँ निकालेंगे। चलो देखो यहाँ हर जगह आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी, इधर भी है लॉकर, हर जगह लॉकर है। अरे बाप रे, ये अग्नि तीर्थम यहीं पे लगानी है एक डुबकी, उसके बाद जाना है 22 कुंडों का स्नान करने के लिए। ओए होए, देख रहे हो समुद्र ही समुद्र, नज़ारा ही नज़ारा अलग। नहा लिए, डुबकी लगा लिए यहाँ पे अग्नि तीर्थम में, है ना। देखो दर्शन करो सबके सब यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है रिचुअल की, यहाँ पे अग्नि तीर्थम में यहाँ पे डुबकी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब चलेंगे 22 कुंडों का स्नान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मंदिर में स्नान करते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं 22 कुंडों में स्नान करने के लिए। चलो 12 कुंडों के जल के लिए, अगर मिला वहाँ पे जल भरने का मौका। वैसे तो कुओं में रहता है वो, डालते हैं ना सबके ऊपर, तो ये ले लिया मैंने, जितना भी आ पाएगा उतना ले चलेंगे घर को उनका। कल यहाँ से श्रीलंका बॉस बहुत ही नज़दीक है, लगभग 30-1 किलोमीटर होगा। तो भैया लाइन देखो इधर, क्या भयंकर लाइन है। और यहीं से मिलेगा अंदर से टिकट 25 रुपये का। लाइन देखो कितनी लंबी है, तो भाई अंदर है कॉरिडोर है, अभी आएंगे इधर से। टिकट ले लिया है देखो, अब लगेंगे यहाँ से लाइन पे। ये है कॉरिडोर, तो भैया एक कुंड का तो जल मिल गया। देखो एक कुंड ये है, तो
ये देखो ये है गेट, यहाँ पे पूजा ऊजा सारे कपड़े वपड़े बदल रहे हैं, हो गए सारे कुंड। यहाँ पे देखो कितने सारे शिवलिंग है, देखो यहाँ पे सारे के सारे कपड़े चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे मेन फोटो खींचेंगे है ना रामेश्वरम। लो जी आ गया हूँ बाहर, ये एक मंदिर का दूसरा गेट है ना, और अब नहा नुहा लिया, अब जाता हूँ जरा होटल, वहाँ से कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। देखो ये है गेट, लो भाई ये है मंदिर, मेन मंदिर, यहाँ से जाऊँगा मैं भी अंदर है ना, एंट्री करता हूँ, उसके बाद अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो फिर मोबाइल दिखा नहीं पाऊँगा आपको है ना। ये है देखो मंदिर अंदर, चलो जी कर लिए दर्शन, अब आपको दिखाते हैं रामेश्वरम की आसपास कौन सी ऐसी जगह है जहां आप घूम सकते हो, ठीक है। उनमें से एक है अपना वही राम भगवान जी का पुल जो उन्होंने बनाया था है ना, तो देखते हैं आपको दिखाते हैं यहां से आसपास कौन कौन सी जगह है जहां आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जा रहा हूं अपनी पहली लोकेशन में, ठीक है, पहली लोकेशन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लो जी ये है अपनी पहली लोकेशन विभीषण मंदिर, बाप रे यहाँ तो बहुत भीड़ है, देखो भाई ये अंदर ये है विभीषण मंदिर, क्या कोठंडा कोठान दरमामार दरामार टेम्पल, ये है पहली लोकेशन जहाँ आप आ सकते हो विभीषण जी का मंदिर। चलो जी आपको दर्शन करवाएं पुराना धनुषकोडी, पुराना धनुषकोडी ना एक गांव था है ना, जो कि जब एक बार साइक्लोन आया था ना तो पूरा बर्बाद हो गया था है ना, तो ये देखो कुछ कुछ अवशेष उसके हैं अभी, वो बेटा रेत में जा रहा हूँ मैं तो देखता हूँ कितनी गर्म हो रही रेत, पंख भी हैं सब कुछ है। यह है पुराना धनुषकोडी है ना, यहाँ पर राम भगवान जी के चरण भी हैं, देखो आज कल ये अभी भी यहीं पे ही है, मंदिर लो ये है अपना इधर हिंद महासागर और ये है इधर बे ऑफ बंगाल, आह क्या मस्त नजारा, ओए होए हमें राम सेतु पे, ये है अपना हिंद महासागर, देखो कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन ब्लू सा, सॉरी स्काई ब्लू, और इधर है अपना बे ऑफ बंगाल, ओए होए 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 क्या बात है। लो भाई ये है लास्ट पॉइंट इंडिया का है ना, जैसे मैंने आपको बताया था इधर अरब सागर इधर बे ऑफ बंगाल, ये है गोल गोल गोल, इसकी मैं आपको ड्रोन व्यू दिखा दूंगा
यहाँ से इधर है श्रीलंका और ये है पूरा ब्रिज अपना, है ना, मस्त है ना, गजब। तो ये पुल अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से दिख रहा है पुल स्टार्ट है, वहाँ पर चल भी सकते हैं। लो भैया आ गए हैं दूसरी डेस्टिनेशन में, ये है श्री पुष्कृति, क्या है, पुष्टि दक्षिण राजधान राम मंदिर। देखो ये इधर राम कुंड, मस्त है ना। ये मंदिर अंदर भाई, ये देखो ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, यही दिखाऊंगा आपको, वो पत्थर जो टूटता नहीं है। ये लास्ट लोकेशन आज की, लक्ष्मण कुंड है ना। आओ ये है लक्ष्मण कुंड, राम कुंड दिखाया था, ये लक्ष्मण कुंड। तो इन्हीं जगह आप जा सकते हैं यहाँ पर। चलो जी, हो गई सारी लोकेशन, ठीक है। अब मेरे 9 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए हैं, ठीक है, और अब मैं जाऊंगा यहाँ से फिर से बैंगलोर दीदी के यहाँ, फिर शायद दीदी के साथ जाऊंगा वहाँ से मल्लिकार्जुन, जो कि मेरे इस ट्रिप का लास्ट ज्योतिर्लिंग है ना। इस साइड के सारे ज्योतिर्लिंग पूरे कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको रामेश्वरम, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अभी चलते हैं यहाँ से बैंगलोर, इस दिन को करते हैं यहीं पर समाप्त, ठीक है। मिलते हैं आपसे मल्लिकार्जुन वाले ज्योतिर्लिंग वाले वीडियो में, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।